हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं दिग्विजय पटेल और मेरे हाथ में है ये एक बेलन, जो कि एक बेलन है। इधर देख लीजिए, ये गोल है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। जियो का बॉक्स है, मतलब ये बेलन है, एक है कि नहीं बेलन जैसा। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना सिखाऊंगा मैं अभी, जस्ट तुरंत। तो देखो कैसे कैसे करना है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इसमें ऊपर में ब्रीथ है, ठीक, और एक नीचे में है, ठीक। इधर इसमें है, दो हो गए। और एक आपका ये है चौकोन, ठीक। इसको काट दिया जाएगा बीच से, ऐसे पूरा जुड़ा है मान के चलो। तो काटेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। फिर अब इसी में मैं अब सिखाता हूँ। अब आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं अपने पास। एक ये है, एक ये, दो, इनका क्षेत्रफल निकालना है, इसका निकालना है और इसका निकालना है। तो ये क्या है, ये ब्रीथ है। तो ये जैसे कि इसका केंद्र है, सेंटर, ठीक। और इसको हम ओ नाम दे देते हैं। और यहाँ से यहाँ ये आर हो गया, ठीक। आर आर मतलब रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, ठीक। और पूरा को बोलते हैं व्यास, इसको जो केंद्र से होकर गुजरे, सबसे बड़ी जो लाइन हो, है ना। शायद केंद्र से ये गुजर रहा है, ये लाइन, ओके। तो अब ये आर है, इसकी परिधि क्या हो जाएगी, 2πr, 2πr परिधि ये है, ये परिधि। और ये जितना है उसको काट दिए, इसको इतना को काट दिए, यहाँ से ये लपेटाया था, ऐसा लपेटाया था, इसको काट दिए। तो ये भी 2πr हो गया आपका, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका हो गया 2πr, ठीक। ये 2πr है। और ये इसका ऐसे करेंगे, ये ठीक इस टाइप से करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका, हाइट है h, ठीक, इसका h हाइट है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है ब्रीथ का, पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये एक अपना इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और एक इसका पाई आर स्क्वायर, अच्छे से लिख लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर। पाई आर की घात 2 होता है ना क्षेत्रफल, और ये पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब 2 पाई आर स्क्वायर है, जोड़ते जाना है, इसको जोड़ेंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये गुणा ये, मतलब इसका चौड़ाई गुणित लंबाई, ये लंबाई हो गया मान के चलो इसका भी। तो इसका हो गया आपका 2πr और h, 2πrh हो जाएगा, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल है 2πrh, और हमारे पास इसका पाई आर स्क्वायर है और इसका पाई आर स्क्वायर है, ठीक। तो जोड़ेंगे अभी, सर इधर जोड़ते हैं। क्या था अपने पास, एक पाई आर स्क्वायर प्लस एक और पाई आर स्क्वायर था प्लस 2πr और h। अब इतना को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, सेम है, तो 2πr² प्लस 2πr h। अब इसमें आपको कामन क्या क्या दिख रहा है, इसमें कामन आपको दिख रहा है 2 तो दिखा, 2 पाई भी है, आर भी है, एक आर है हाँ। तो ये हो जाएगा 2πr इंटू आर प्लस एच,
ये होगा, तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। ठीक, अब वैल्यूम तो जान ही रहे होगे, पाई आर स्क्वायर एच, इसका वैल्यूम कैसे निकालने हैं। देखो, अगर यहाँ पे ए एक है और मान के चलो ये एक सेंटीमीटर है, मान के चलो ये क्या बोलते हैं, मतलब ना इसका क्षेत्रफल मान के चलो, नहीं वैल्यूम आयतन निकालना है अपने को ना, तो ये देखो ये क्या है, एक है, इसके ऊपर मैं एक और रख दूंगा तो दो गुड़ा हो गया ना। तो उसी तरीके से इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल और एच, क्योंकि एच तो है ना, एच है, इसीलिए वो हो जाएगा, जैसे कि इतना ऊपर में रहेगा तो एच तो लगेगा, एच ऊंचाई तक, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है उसका क्षेत्रफल, नहीं सॉरी वैल्यूम, वैल्यूम आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वैल्यूम आयतन वी। ठीक, ओके फ्रेंड्स, तो कैसा रहा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, समझ में आया कि नहीं मैथ्स अच्छे से ये भी बताओ। ठीक है, बाय, सी यू।